हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, मिस्टर आकाश गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो हमको है ना, मिस्टर आकाश है ना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड हमें पूछा गया कि आप है ना प्रिपेयर करो, आस्क यू टू प्रिपेयर परचेज बुक। आपको परचेज बुक प्रिपेयर करने बोला है, आपको सेल्स बुक प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है मिस्टर आकाश एंड आपको परचेज रिटर्न बुक है ना प्रिपेयर करने बोल रहा है एंड सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करने बोल रहा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। तो यहाँ पर है ना जो हम लिखेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन्स है मिस्टर आकाश के ट्रांजेक्शन दिए हैं, तो हम इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आकाश करके हेडिंग लिखने वाले हैं एंड फिर परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक का हम जो इसका स्पेसिमेन है वो बनाएंगे एंड फिर है ना वन बाय वन ट्रांजेक्शन को हमें ना एंटर करने वाले। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि परचेज गुड्स, तो जब परचेज गुड्स की बात आ गई ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स परचेज किया, क्योंकि जैसे परचेज बुक में सेल्स बुक में जो है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, जो उधार वाले ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एंटर करते हैं ना। तो यहाँ पर है ना परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम धमल ट्रेडर्स से परचेज किया है। इसका मतलब ये परचेज बुक में हम है ना धमल ट्रेडर्स कर लिखने वाले हैं और जो धनल है, सॉरी नॉट धमल, धनल ट्रेडर्स, तो ये धनल ट्रेडर्स के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में 15,000 हमको लिखना है। एंड सोल्ड द सेम टू कुणाल, और सेम है ना गुड्स है ना, मतलब एक तारीख को, जनवरी 1 तारीख को सेम गुड्स है ना मिस्टर कुणाल को, यहाँ पे कुणाल को ट्रेडर्स को सॉरी सेल कर दिया एट 25% ऑन कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो है अभी सेल्स बुक में एंटर होगा कुणाल ट्रेडर्स के नाम से, सेल्स बुक में हम कुणाल ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे एंड 25% हमको है ना 15,000 पे कैलकुलेट करके हमको है ना टोटल अमाउंट जो है सेलिंग प्राइस वो लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर ट्रांजेक्शन है प्लेस एंड ऑर्डर प्लेस किया विद सुनेत्रा के साथ में को ऑर्डर किया हमने गुड्स ऑफ ₹10,000 का, मतलब यहाँ पर लेस 5% पे डिस्काउंट। तो ऑर्डर जब ऑर्डर दिया जाता है तो ऑर्डर के लिए हम एंट्री नहीं लिखते, ऑर्डर प्लेस करने के लिए एंट्री कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो ये जो 5वीं तारीख की जो ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट जो दिया है वहां पर कोई भी एंट्री नहीं है, नो एंट्री है। एंड देन यहाँ पर है ना 8 तारीख को परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000, तो यहाँ पे परचेस किया है तो परचेस बुक में आएगा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स। तो सौरभ ट्रेडर्स से जो परचेस किया है उस पे है ना 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमको कैलकुलेट करके, दैट इज 2000 होता है, तो 20,000 माइनस 2000 करेंगे तो 18,000 हमको है ना अमाउंट कॉलम में दिखाना होगा परचेस बुक में यहाँ पर सुनेत्रा के नाम, सौरभ ट्रेडर्स के नाम पे, सॉरी सौरभ ट्रेडर्स के नाम पे। नाउ तो यहाँ पे 13 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू विनायक को गुड सेल कर दिए, तो विनायक को गुड्स है ना 8,000 की गुड सेल की एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो यहाँ पर सेल्स बुक में हमको विनायक नाम से हम लिखेंगे, विनायक स्टोर्स के नाम से, एंड 8,000 पे 5% मतलब ₹400 होता है, वो माइनस करने के बाद में 7,600 अमाउंट के कॉलम में हमको दिखाना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो विनायक स्टोर्स रिटर्न गुड्स टू अस ₹200, तो विनायक ट्रेडर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए, इसको सेल किया गया था, देखो 13 तारीख के ट्रांजेक्शन में इसको सेल किया गया था, 15 तारीख को है ना विनायक स्टोर्स ने रिटर्न किया गुड्स, मतलब वो सेल्स रिटर्न हुआ, ₹200 का सेल्स रिटर्न हुआ। तो सेल्स रिटर्न बुक में हम 15 तारीख को है ना विनायक स्टोर्स के नाम से ₹200 रिकॉर्ड करेंगे, ₹200 मतलब यहाँ पे ये जो ₹200 रिकॉर्ड करना है इसका मतलब इस पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट भी हमको निकालना होगा। यहाँ पे कहीं पे हमको आपको बोला नहीं है कि ये ग्रॉस अमाउंट है या फिर है ना इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट किया हुआ है, दोनों भी चीज नहीं बोली है। तो जब ये साइलेंट रहता है तो इसका जो ट्रांजेक्शन जस्ट प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन हुआ था कि सेल करने के टाइम पे 5% डिस्काउंट पे सेल किया है ट्रेड डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब है ना सेल्स रिटर्न भी जब आया तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब हम यहाँ पर अशोक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
₹200 पे 5% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद में ही हम अमाउंट को रिकॉर्ड करने वाले, जो कि ₹190 आने वाला है। देन यहाँ पर नेक्स्ट 18 तारीख को सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड आ ऑर्डर प्लेस ऑन 5 जनवरी 2018। तो 18 तारीख को है ना ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उसने ना ऑर्डर प्लेस कर, हमने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो हमको ऑर्डर का सामान मिल गया है सुनेत्रा से। तो सुनेत्रा ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया हमारा। तो 18 तारीख को हम परचेस बुक में 10,000 पे आपको है ना 5% का, क्योंकि यहाँ पे टीडी की भी बात हुई थी कि 5% का टीडी, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है कि 5% के टीडी को आपको कैलकुलेट करना होगा, 10,000 पे 5% मतलब 500, तो यहाँ पर 10,000 माइनस 500 करेंगे तो 9,500 सुनेत्रा के नाम से परचेस बुक में हम लिखने वाले हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर इसीलिए एग्जीक्यूट करने पे हम रिकॉर्ड करते हैं, खाली ऑर्डर जस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। फिर 20 तारीख को सोल्ड गुड्स टू विष्णु ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया, विष्णु ट्रेडर्स को गुड सेल किया 20 तारीख को लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो है ना 21,000 का। तो है ना 20 तारीख को हम विष्णु ट्रेडर्स के नाम से 21,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे, तो 1050 आएगा। तो फिर 1050 माइनस करने के बाद 19,950 हमको अमाउंट के कॉलम में लिखना होगा। तो इसका कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को बताने वाली, फिर भी वर्बली आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, तो इसी तरह के तरीके से आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 22 तारीख को रिटर्न गुड्स टू सुनेत्रा को गुड्स रिटर्न किया ₹1,000, और यहाँ पर ग्रॉस मेंशन किया, तो ऑब्वियसली ग्रॉस अमाउंट है तो इस पे 1,000 पे हमें 5% का टीडी कैलकुलेट करने के बाद है ना परचेस रिटर्न में हम है ना सुनेत्रा के नाम से लिखने वाले हैं। 1000 पे 5% मतलब ₹50 माइनस करेंगे तो 950 का गुड्स रिटर्न कर दिया करके हमको दिखाना। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रॉस वर्ड नहीं लिखा होता और यहाँ पर नेट अमाउंट भी नहीं लिखा, ऐसे नेट वर्ड भी नहीं यूज किया होता, तो हम यही कंसिडर करते कि ये ग्रॉस है, इस पे हमको टीडी, क्योंकि यहाँ पे टीडी परचेस करने के टाइम पे 5% का टीडी मिला है, तो परचेस रिटर्न के टाइम पे भी 5% का टीडी कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 28 तारीख को कुनाल ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस, उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो मतलब सेल्स रिटर्न हुआ, ₹500 का सेल्स रिटर्न यहाँ पर हुआ, तो कुनाल ट्रेडर्स को पहले सेल किया था और अभी है ना कुनाल ट्रेडर्स है ना रिटर्न कर रहा है, तो हमको ₹500 यहाँ पर है ना रिटर्न में लिखना है। तो ये ₹500 का गुड्स रिटर्न हुआ है करके हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं 500 का। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर रिटर्न गुड्स टू सौरभ ट्रेडर्स ₹1,500 का है ना गुड्स रिटर्न किया है, 1,500 का गुड्स रिटर्न हुआ है, तो यहाँ पर है ना हम रिटर्न गुड्स में है ना सौरभ ट्रेडर्स को हमने रिटर्न किया, तो सौरभ ट्रेडर से कितने का परचेसिंग हुआ था, 20,000 का परचेस किया था जिसमें से 10% डिस्काउंट मिला था, तो यहाँ पे सौरभ ट्रेडर्स का जो 1,500 है इस पे हमको 10% का है ना टीडी निकाल कर और फिर है ना उस अमाउंट को हमको दिखाना होगा। आप ऐसे सोचेंगे मिस आप है ना ये जो टीडी का अमाउंट आ रहा है तब आप है ना ग्रॉस उसको कंसिडर करते वे कर रहे हैं, आपने यहाँ पर कुनाल ट्रेडर्स ने गुड्स रिटर्न किया 500 का, तो इस पे ये जो 25% कॉस्ट ऑन प्रॉफिट, तो ये हमको कैलकुलेट नहीं करना होता, यहाँ पे सेल्स का अमाउंट कितने का गुड्स बेचा था और कितने का सेल्स रिटर्न आ गया, तो ये हमको यहाँ पर उसी तरीके से हम जो टोटल जो 500 दिया तो एज इट इज 500 हम लिखते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड नहीं करना है, ये हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करें तो सेल्स रिटर्न में हम 500 के हिसाब से ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ ट्रेड डिस्काउंट के समय पर अगर आपको साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है और उससे प्रीवियस ट्रांजेक्शन में रिलेटेड ट्रांजेक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो उतना ट्रेड डिस्काउंट फिर हमको जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है उसमें भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है उस ट्रांजेक्शन में भी। तो जैसे यहाँ पे विनायक स्टोर्स का है ना विनायक स्टोर ने ₹200 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ये जो विनायक स्टोर को कितने का गुड्स बेचा था हमको वहां पर पहले मूव करना होगा कि भाई कितने का गुड्स विनायक स्टोर को बेचा था, तो विनायक स्टोर को 8,000 का गुड्स बेचा था 5% का ट्रेड डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब ये जो ₹200 है ये ग्रॉस है, तो इस पे 5% का टीडी कैलकुलेट करने के बाद में ही हमको है ना इसको रिटर्न में सेल्स रिटर्न में लिखना है करके इस तरीके से हमको ध्यान में रखना होगा।
तो आई होप ये जो क्वेश्चंस तो आपको किस तरीके से रीड करना है, कैसे करना है, वो आपको समझ में आ गया। इसका फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम इन सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं विथ ऑल द जितने भी कैलकुलेशन पार्ट्स है सारे मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल्स मिल गए तो आप कर रहे हो फिर आपको कन्फ्यूजन्स होंगे। बेटर है कि समझो और फिर बाद में आप है ना सॉल्व करो। तो जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है उसमें धनल ट्रेडर्स का परचेस बुक में हम लिख लेंगे धनल ट्रेडर्स का। तो यहाँ पर परचेस बुक में हम लिखेंगे डेट जो है वो 2018 जनवरी एंड फर्स्ट डेट को धनल ट्रेडर्स परचेस बुक में लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर परचेस किया है बोला है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो परचेस बुक में आ जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन होता तो कैश बुक में जाता। तो यहां पर धनल ट्रेडर्स एंड जो अमाउंट है वो 15,000 बोला है तो अमाउंट कॉलम में हम 15,000 लिख लेंगे। अब ये सेम ट्रांजेक्शन के बारे में बोला, मतलब ये जो ट्रेडर्स से परचेस किया धनल ट्रेडर्स से 15,000 का गुड्स, ये है ना सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया कुनाल ट्रेडर्स को 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना, तो सेल्स बुक में अभी यहाँ पर 2018 डेट जो सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पर तभी हमको ये स्टेटमेंट दिया है कि सेम गुड्स सेल कर दिए, तो हम कुनाल ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे कुनाल ट्रेडर्स। एंड इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से, आपको यहीं पर कैलकुलेशन में दिखा देती हूँ कि आपका जो है ना कॉस्ट प्राइस है वो 15,000 प्लस यहाँ पर कितना परसेंट बोला है 25%, तो 25% ऑन 15,000, तो है ना 15,000 का 25% कितना होता है वो हमको फाइंड आउट करना है और उसका फिर टोटल लेना है। तो 15,000 का 25%, या तो आप क्या करो 15,000 को 4 भाग में बांट दो, तो 15,000 का आधा कितना होता है 7,500, और 7,500 का आधा कितना होगा, तो 7,500 का जो आधा हाफ होगा वो होगा 3750। तो यहाँ पर उस तरीके से ले सकते हो, या फिर आप 15 × 25/100, तो फिर आपका 0 0s कैंसिल हो गया और 150 × 25 करोगे तो भी 3750 आएगा। तो 15,000 प्लस 3750 इज इक्वल्स टू आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ पर आएगा वो 18,750 आएगा। तो 18,750 हमको अमाउंट के कॉलम में हमको लेना है, तो अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 18,750। इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है कि ये जो ऑर्डर प्लेस किया उसको हम नहीं लेंगे, प्लेस्ड एंड ऑर्डर वाला मैंने जैसे आपसे कहा कि प्लेस्ड एंड ऑर्डर मतलब इसको इग्नोर करना है आपको, ऑर्डर प्लेस किया वो चीज नहीं लेंगे हम, उसको हम है ना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे कि परचेस गुड्स ऑफ ₹20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट सौरभ ट्रेडर्स से, तो परचेस बुक में ना सौरभ ट्रेडर्स का हम नाम लिखेंगे एंड जो डेट है वो 8 तारीख की डेट को, तो हम यहाँ पर सौरभ ट्रेडर्स से परचेस किया है, इसीलिए सौरभ ट्रेडर्स लिखेंगे। एंड जो अमाउंट है वो ग्रॉस अमाउंट है 20,000 का, एंड 20,000 पे जब आप है ना माइनस करोगे 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करोगे तो 2,000 आपको माइनस करना है, तो 18,000 आपको आउटर कॉलम में दिखा देना है कि है ना 18,000 के गुड्स नेट अमाउंट है ना 18,000 नेट अमाउंट है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट जो सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर्स, तो विनायक स्टोर्स को गुड्स सेल किया 8,000 का गुड्स सेल किया, तो सेल्स बुक में एंड 5% का TDB कैलकुलेट करना है। तो ये जो डेट दी है हमको विनायक स्टोर्स को कभी सेल किया तो 13 तारीख को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विनायक यहाँ पर स्टोर्स सेल किया तो सेल्स बुक में, परचेस किया तो परचेस बुक में, परचेस किया हुआ माल हमने रिटर्न किया तो मतलब परचेस रिटर्न में, एंड सेल किया हुआ माल हमको रिटर्न रिसीव हुआ तो मतलब सेल्स रिटर्न बुक में। तो यहाँ पर विनायक स्टोर्स एंड जो अमाउंट का कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि 8,000 का आपका ग्रॉस अमाउंट उस पे है ना माइनस करना है 5% का TD, 5% TD, तो 8,000 पे 5% कितना होता है
8,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो 400 रुपीज, क्योंकि 8,000 पे 8 10% मतलब 800, तो आधा 400 आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 400 रुपीज आपको माइनस करना है एंड ये जो आउटर कॉलम है यहाँ पर मतलब अमाउंट के कॉलम में हम 7,600 का अमाउंट हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमको लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव करेंगे, यहाँ पर बोला विनायक स्टोर्स, विनायक स्टोर्स ने रिटर्न कर दिया, रिटर्न्ड गुड्स टू अस ₹200। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ना तो यहाँ पे ग्रॉस वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ पर नेट वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये ग्रॉस अमाउंट ही है, तो हमको इस पे टीडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 5% की टीडी कैलकुलेट कर ही हमको है ना इसे जो सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे, तो 5% की टीडी कैलकुलेशन के साथ में हमको अमाउंट को दिखाना होगा। तो यहाँ पर 2018 जनवरी और तारीख है वो आ जाएगी 15 तारीख को रिटर्न किया है, 13 तारीख को सेल किया था, 15 तारीख को विनायक स्टोर्स ने रिटर्न किया, तो विनायक स्टोर्स कर हम लिखेंगे और जो अमाउंट है 200 है उसमें से माइनस हमें यहाँ पर जो है 5% का टीडी माइनस करना है, 5% टीडी, तो 200 रुपये का 5% टीडी मतलब है ना 10 रुपये आएगा, 5% 10 रुपीज आता है, तो 190 रुपीज अमाउंट के कॉलम के यहाँ पे हमें लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स लिखते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला सुनेत्रा ने क्या किया, सुनेत्रा ने एग्जीक्यूट कर दिया मतलब माल भेज दिया हमको, इसको ऑर्डर कब प्लेस किया, तो 5 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया था, इसीलिए हम जब एग्जीक्यूट होता है तो उस डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, हम उसके पहले रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर 18 तारीख से हम लिखेंगे परचेस बुक में 18 तारीख सुनेत्रा, और कितने का गुड्स ऑर्डर किया था, तो 10,000 का, और उसपे 5% का टीडी भी कैलकुलेट हमको करना होगा। तो परचेस बुक में हमें ना सुनेत्रा का नाम है ना 18 तारीख को लिख कर करेंगे कि भाई 18 तारीख को ये है ना ऑर्डर हमको रिसीव हो गया। तो जब एग्जीक्यूट होता है, रिसीव होता है, तो हम है ना रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो खाली ऑर्डर प्लेस करने पे हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर सुनेत्रा और है ना गुड्स का अमाउंट कितना है, तो 10,000 का गुड्स, 10,000 उस पर माइनस करो 5% का ट्रेड डिस्काउंट, ये दिया हुआ है बुक में, उसी के अकॉर्डिंगली कंडीशंस के हिसाब से ही हम मूव कर रहे हैं। तो 10,000 माइनस आप 5%, 10,000 का 5% मतलब 500 रुपया, तो माइनस 5% करेंगे तो 9,500 यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में हमको लिखना है। इस तरीके से आपको मूव करना है, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। 20 तारीख को यहाँ पर बोला सोल्ड गुड्स टू विष्णु ट्रेडर्स, तो विष्णु ट्रेडर्स को 21,000 के गुड्स सेल किए 5% के ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल्स बुक में विष्णु ट्रेडर्स का नाम लिखो। तो यहाँ पर सेल्स बुक में हम 20 तारीख को विष्णु ट्रेडर्स 20 तारीख को विष्णु ट्रेडर्स के नाम से जो अमाउंट है 21,000 का ग्रॉस अमाउंट, इस पे 5% की हमको टीडी भी माइनस करनी होगी, तो माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 21,000 का 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे, 21,000 का 5% मतलब हमारा 1050 आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, मतलब यहाँ पे दो जीरोस भी हट गए तो 210 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 1050 होता है, तो 1050 क्योंकि परसेंट मतलब दो जीरो रिमूव करना है, 210 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे भी तो भी 1050 ये माइनस करने पर जो अमाउंट आएगा तो वो आएगा आपका 05 एंड यहाँ आपका 9 एंड फिर आपका अमाउंट जो है आ जाएगा 19 क्योंकि 20 माइनस 1 हुआ तो 19, तो 19,950 आपको रिकॉर्ड करना है सेल्स बुक में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बोला रिटर्न गुड्स टू सुनेत्रा को रिटर्न कर दिए गुड्स, कितने के 1,000 के और ग्रॉस वाले है, ग्रॉस अमाउंट मतलब आपको टीडी भी आपको परचेस रिटर्न में, क्योंकि परचेस के बाद माल रिटर्न किया तो है ना वो भी हमको दिखाना होगा। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न बुक में हम 2018 जनवरी यहाँ पर जनवरी कितनी तारीख को रिटर्न किया, तो 22 तारीख, तो 22 लिखेंगे हम एंड यहाँ पर सुनेत्रा का नाम लिखेंगे, सुनेत्रा के नाम से यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1,000 एंड 1,000 पे सुनेत्रा ने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया था जब उससे हमने गुड्स परचेस किए मतलब, तो यहाँ पर है ना सुनेत्रा ने 5% का ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस 5%
ट्रेड डिस्काउंट करना होगा तो 1000 पे 5% बोलेंगे तो 50 रुपीज, तो माइनस करने पर 950 रुपीज आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करने होते हैं, अमाउंट के कैलकुलेशन भी इस तरीके से आपको मैनेज करने होते हैं कि 1000 माइनस आप 5% ट्रेड डिस्काउंट करो तो 50 रुपीज, माइनस किया तो 950 रुपीज आपका परचेस रिटर्न बुक में आएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बोला कुनाल ट्रेडर्स, कुनाल ट्रेडर्स ने रिटर्न कर दिए गुड्स टू अस, इसका मतलब हमने कुनाल को सेल किया था तो वो रिटर्न हुआ। तो ये सेम ट्रांजेक्शन को हमको लिखना होगा 28 तारीख को सेल्स रिटर्न बुक में। तो कुनाल को जो गुड्स बेचे थे वो उस पर कोई टीडी थी क्या, वो भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। ये चीजों को मैं पर्पसली बार बार रिपीट करती हूँ। तो कुनाल के उस पर कोई टीडी नहीं थी, ट्रेड डिस्काउंट कोई नहीं था, तो मतलब ये 500 रुपये का गुड्स रिटर्न है करके ही हमको लिखना है सेल्स रिटर्न बुक में। हमें ना कुनाल के नाम से यहाँ पर 28 तारीख को कुनाल के नाम से हम रिकॉर्ड कर लेंगे 28 तारीख कुनाल कुनाल, और अमाउंट जो आएगा वो 500 रुपीज हमको लिख लेना है। इस तरीके से ये अमाउंट आएगा। नाउ लास्ट यहाँ पर 30th को रिटर्न गुड्स टू सौरभ, तो 30th को गुड्स सौरभ को रिटर्न किए 1500 के, तो उससे परचेस किए थे ना सौरभ से परचेसिंग की थी 8 तारीख को, तो वो सेम अभी परचेस रिटर्न बुक में है ना, हमने वो सौरभ को रिटर्न किए करके रिकॉर्ड करना होगा, उसी में से रिटर्न हुआ है। तो 30 तारीख को यहाँ पर सौरभ हम लिखेंगे सौरभ ट्रेडर्स। तो यहाँ पर स्पेलिंग में एरर है दोनों जगह पे, एक जगह पे एसओ आ गया, दूसरी जगह पे एसओ एस ए यू आर ए बी एच ए, तो ये सब अपने अपने तरीके से नेम्स की स्पेलिंग लिखते हैं तो थोड़ा बहुत है ना चेंजेस रहता है। तो वो कोई हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आप लैंग्वेज का पेपर नहीं लिख रहे हो, लेकिन है ना जो आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप नेम लिख दीजिए। तो सौरभ ट्रेडर्स के नाम से आप है ना यहाँ पर उसको डिस्काउंट वाली बात थी 10% के डिस्काउंट वाली, तो हमको ये डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट। तो 1500 का गुड्स रिटर्न किया है तो माइनस हमको है ना 10% ईडी, माइनस 10% ईडी करना होगा, तो यहाँ पर माइनस 10% ईडी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 150, माइनस करोगे तो 1350, तो 1350 इस तरीके से आपको अमाउंट मिलेगा। अब सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके हो गए, अब हमको क्या करना है, अभी खाली टोटलिंग करना है। तो सबसे पहले परचेस बुक को, ये जो सब्सिडियरी बुक है हमारी परचेस बुक, इसको हम है ना क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल करके हम लिखेंगे, टोटल हमारा टोटल जो है अमाउंट आएगा टोटल कल, तो 005 प्लस 8 13 प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर होगा 22, तो 22 का 2 कैरी ओवर 2 किया, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 तो 42,500। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे टोटल के, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो टोटल के यहाँ पर टोटल कैलकुलेशंस करेंगे तो 0 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 प्लस 7 8 8 प्लस 6 कितना होगा 14 प्लस 9 तो 23 का 3 कैरी ओवर 2 किया तो 2 प्लस 8 10 प्लस 2 7 प्लस 10 प्लस 7 17 प्लस 9 करेंगे तो 26 तो 26 का 6 कैरी ओवर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 तो 46,300 आ गया। उसके बाद में यहाँ पर परचेस रिटर्न का टोटल कर लीजिए, तो यहाँ पर परचेस रिटर्न में कितना आया तो 0 5 प्लस 5 10 0 कैरी ओवर 1 1 प्लस 9 10 10 प्लस 1 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 प्लस 1 2 तो 2300। एंड जो लास्ट यहाँ पर सेल्स रिटर्न रिटर्न्स बुक, तो सेल्स रिटर्न बुक्स के यहाँ पर भी टोटल करेंगे तो 0 9 एंड 1 प्लस 5 6। तो आप लोग सोचेंगे कि मिस आप क्यों इतना इजी कैलकुलेशंस या टोटल बता रहे हो, तो डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशंस करने हैं, क्विक टोटल आपको कैसे करनी है, इसीलिए मैं जिस तरीके से मैं करती हूँ मैं उसी हिसाब से आप लोगों को भी बता रही हूँ कि यहाँ वहाँ अमाउंट्स को लिखकर जाके फिर एड करना, उससे बेटर यहीं पर आप अपने कैलकुलेशंस कीजिए। क्योंकि देखो प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो मैंने नोटिस किया हुआ है कि स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्शन भी भूल जाते हैं, सब्ट्रैक्शन भी भूल जाते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग नॉट लाइंग, सच में बच्चे बोलते हैं कि मिस ना सब्ट्रैक्शन भूल गई, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, ऐसा होता है। ये चीज है ना आज ही ऑब्जर्व की है मैंने कॉलेज में, तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी चीजें होती है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशंस करने हैं, तो अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन का, तब स्क्रीनशॉट लेकर और बाद में आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इसको अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो आपको शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल आप लोगों के लिए फ्री चैनल है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई फी पेमेंट नहीं करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।